पहले पहुंचा तो देखा कि बीए टेट के 2011 भर्ती के हजारों बच्चे जो है यहाँ हमारे पास आए और हमको पत्र दिए, और इन लोगों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने ये कह करके टाल दिया है कि ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ज़माने की भर्ती निकली है, इस नाते हम इसको नहीं करेंगे, हम अपनी भर्ती को ही रूप देंगे। जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि सरकार इनकी भर्ती कर सकती है, इस तरह का आदेश सरकार ने दिया था। आज लोगों ने हमको बताया, तो इसके पहले भी हमको लोगों ने, जब मैं मिनिस्टर था तो बताया था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में नहीं लिया। बाद में ये कह दिया कि ये भर्ती अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी के समय की है, हम इसको नहीं करेंगे, ये कह करके टाल दिया। आज लोग आए थे, हमको ज्ञापन दिए हैं और 72,338 अभ्यर्थी हैं कुल। तो हमने लोगों से कहा है कि आगे आने वाले दिनों में आप लोग सब लोग 22 में सरकार बनाइए, सरकार बनती है तो इस पे कानूनी सलाह मशवरा लेकर के हम आपके काम को कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करे कि उन्होंने इतने रोजगार दिए, ये दे वो दे, यहाँ पे तमाम लोग युवा बेरोजगार देखे जा रहे हैं, क्या संदेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की एक मशीन, वो चालू कर देते हैं और बजने लगते हैं। अभी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था गोरखपुर में कि 40 लाख नौकरी दे दिया, फिर वो अम्बेडकर नगर में 8 दिन बाद बोलते हैं तो 25 लाख दे दिया, फिर बोलते हैं तो कहते हैं हम 4 लाख दे दिया। अभी तो खुद मुख्यमंत्री को ही नहीं पता है कि हम कितने लोगों को रोजगार दिए हैं। हाँ, इतना जरूर उनको जानकारी हुई है कि जो कोरोना जैसी महामारी में जो दुकानें बंद थी, मनरेगा का काम बंद था, नाई की दुकान खोली तो उसको भी रोजगार मान लिया, मिठाई की दुकान, चाय की दुकान खोली, मनरेगा में जो लोग काम किए उसको भी इन्होंने गिनती कर लिया कि ये सब के सब काम हमने दिया है, हमारी सरकार में हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि बड़े पैमाने पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ बदलाव, जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के मूड में अब विकल्प जनता खोज रही थी। विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो गठबंधन हुआ है, ये जनता अब इसको विश्वास हो गई है कि अब ये गठबंधन, देखिए तो ये लोग भी सावरकर के बच्चे हैं ना, हमेशा माफ़ी मांगते हैं, जब भी लोग देखे हैं तो हमेशा माफ़ी मांगने का काम किए हैं। तो ये लोग, इन लोगों को नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे मंत्री, विधायक, सांसद हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, सबको नागपुर ट्रेनिंग दी जाती है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जितना बोलते बने बोलो। तो ये सब झूठ बोलने की ट्रेनिंग लिए हैं, ये हमेशा झूठ बोल करके, इनसे पूछिए, आप कभी मिल जाए तो इनसे पूछिए कि महंगाई, आज गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 1000 हुआ, इस पर आप क्यों नहीं कम करते हो? सरकार डबल इंजन की तेरी है, 50 रुपये सरसों का तेल बढ़ा के 200 किया, क्या आप उसको कम कर सकते हो? आप इनसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर पूछिए, आज भी आप मंत्री हो, 2 साल 11 महीने से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ने बनाया कैबिनेट के स्वीकृति से, तो क्या उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हिम्मत है इनके पास? देश में जातिवार जनगणना डबल इंजन की सरकार है, क्या जातिवार जनगणना पे चर्चा करने की हिम्मत है? जिस दिन ये जातिवार जनगणना महंगाई पर, भ्रष्टाचार पे, सामाजिक न्याय समिति पर बोलेंगे, उस दिन इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा। आपने भी इनको सावरकर के बच्चे से संबोधित किया, ये लोग कहते हैं सावरकर महापुरुष थे। अब उनके लिए महापुरुष हो सकते हैं जो अंग्रेजों के सामने देश के लिए अंग्रेजों के साथ खड़े थे कि देश आजाद न हो, जब भी मुकदमे का कोई भी कार्रवाई हुई तो चर्च से वो अंग्रेजों से माफी मांगने का काम करते थे। तो ये लोग अब तो ये लोग गोडसे को भी महापुरुष बनाने जा रहे हैं, जो महात्मा गांधी जी को गोली मारे उसको भी तो ये महापुरुष बना रहे हैं। ये भाजपा के लोग हैं, ये कब क्या बोलेंगे ये खुद नहीं जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सावरकर महापुरुष? देखिए, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उपाधि मिली, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है ना। अब ये कहें कि अब ये सावरकर को और गोडसे को बना दें राष्ट्रपिता, तो बन सकते हैं?
इनके कहने से थोड़े होगा। देश के लिए जो काम हमारे महापुरुषों ने किया है उसमें योगदान आरएसएस का नहीं है, आरएसएस में जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों का नहीं है। ये लोग माफी मांगने वाली टीम है, झूठ बोलने वाली टीम है। अभी रफड़ा एमएलए माननीय एमएलए उमाशंकर सिंह जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ है। जिला पंचायत के चुनाव में पूरा बलिया नहीं पूरा प्रदेश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए खुद ये पैसा बांट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी खुद पैसा बांट रहे थे, और बांट करके किसको जिता रहे थे? बीजेपी को। पार्टी में कहां है बहुजन समाज पार्टी में? इनकी जगह अगर दूसरा कोई होता तो पार्टी से निकाल दिया गया होता। इससे साफ जाहिर होता है कि ये बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल करके जिला पंचायत का चुनाव लड़े हैं। तो जैसा जो करता वैसा दूसरे के विषय में सोचता है।